चमोली के मलारी बॉर्डर हाईवे में रेणी गांव के निकट स्थित प्राचीन काली माता के मंदिर को स्थानीय प्रशासन की अनुमति से तोड़े जाने के बाद जमकर बवाल हुआ। रेणीवल्ली और रेणीपल्ली गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन की मौजूदगी में ऋषि गंगा बिजली कंपनी के खिलाफ जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों का आरोप था कि कंपनी के कहने पर ही प्रशासन ने इस मंदिर को तोड़ा है। वहीं सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश के बाद प्रशासन, बिजली कंपनी और ग्रामीणों के मध्य ये समझौता हुआ कि ग्रामीणों द्वारा सुझाए गए किसी उपयुक्त स्थान पर बिजली कंपनी काली माता के नए मंदिर का निर्माण करेगी। साथ ही कहीं कंपनी द्वारा अपने तय अलाइनमेंट के इतर तो हाई टेंशन लाइन और बिजली के पोल नहीं लगाए गए हैं, इसकी भी जांच होगी। बता दें कि रेणीवल्ली गांव में चिपको नेत्री गौरा देवी स्मारक के निकट बॉर्डर हाईवे से लगा हुआ काली माता का एक पुराना मंदिर था। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार इस मंदिर के ठीक ऊपर से बिजली कंपनी ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है और हाई टेंशन लाइन के चार पोलों के बीच ये मंदिर स्थित था। पोलों के बीच होने के कारण मंदिर में पूजा अर्चना करना खतरनाक था, जिस कारण से इस मंदिर को तोड़ा गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चमोली से पूरन सिंह की रिपोर्ट।